हेलो दोस्तों, तो अभी हम मौजूद है कोलकाता में, और कोलकाता में न्यू टाउन में मौजूद है। यहाँ पे आए हुए हैं इको पार्क घूमने के लिए, जो कि फेमस है इको पार्क। और दो नंबर गेट पे हम मौजूद है अभी, टोटल चार गेट है। चलिए टिकट लेते हैं, और टिकट लेते हैं कैसे टिकट लिया जाता है, चलिए वीडियो के साथ बने रहिए, दिखाते हैं आपको फुल व्यूज। इसमें सेवन वंडर बनाया गया है, जो कि दुनिया के सात अजूबे बनाए गए हैं इसमें। तो चलिए अंदर चलते हैं और टिकट लेते हैं, कितना का टिकट मिलता है आपको लाइव दिखाएंगे, वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए हम टिकट ले रहे हैं, एक टिकट का प्राइस देख रहे हैं कितना का रुपया का हो रहा है। तो टिकट हम ले लिए और एक टिकट का प्राइस 30 रुपया। तो चलिए एंट्री करते हैं और गार्ड साहब को दिखाते हैं टिकट। तो एंट्री करते ही आपको बहुत ही खूबसूरत मिल जाएगा आपको देखने को, जो कि फूलों से सजाया हुआ है। ये दूसरा नंबर गेट से आइएगा तो ये आपको व्यूज देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और भी नज़ारे आपको दिखाते हैं। ये है भारत का सबसे बड़ा पार्क, जो कि कोलकाता में ये इको पार्क बनाया गया। इको पार्क के अंदर ये ट्रेन रखा गया है, जो कि पूरा घूमने के लिए ट्रेन भी है, क्योंकि ट्रेन से जाइएगा तो बहुत जल्दी घूम लीजिएगा, मगर रुकेगा नहीं, दिखाते जाएगा आपको और चलते जाएगा आगे आगे की तरफ। और ये साइकिल सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिल जाएगा ये इको पार्क में ही, जो कि ये इको पार्क में साइकिल से घूम सकते हैं आप। इस पार्क में ये खासियत है कि पेड़ पौधे बहुत ज्यादा लगाए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं कितना हरियाली हरियाली दिख रहा है, लग ही नहीं रहा है कि ये पार्क है। यहाँ पे हर तरह के यहाँ पे फीलिंग्स मिलेगा आपको। और ये देख रहे हैं तालाब, जो कि बहुत बड़ा तालाब है, बहुत दूर में यह फैला हुआ है तालाब। चलिए आगे व्यूज दिखाते हैं। तो दो नंबर गेट से आइएगा तो यहाँ पे कुछ आपको मिल जाएगा लंच करने के लिए, जो कि काफी अच्छा लगता है। और गांव के जैसे यहाँ पे बांस लगाया गया है, जो कि टाउन में बहुत कम मिलता है बांस देखने को, तो इसीलिए ये बांस लगाया गया है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे लंच कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा गर्मी है। आप लोग कभी आए घूमने के लिए तो गर्मी के दिनों में नहीं आए, क्योंकि बहुत ज्यादा इधर गर्मी पड़ता है, तो इसलिए आप लोग ठंडे में घूमने के लिए आए, कभी भी आए तो ठंडे में ही आए। तो हम लोग भी यहाँ पे कुछ स्प्राइट और कुरकुरे खाए लोग, जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी था तो खाना होने का तो कुछ मन नहीं कर रहा था, सिर्फ पानी और स्प्राइट और कुरकुरे खाए लोग। तो दो नंबर गेट से आते ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन, जो कि यहाँ पे गुलाब का फूल हर वैरायटी को यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को अंत तक बने रहे, आपको दिखाते हैं बहुत सारे नज़ारे जो कि इको पार्क का। तो चलिए वीडियो को अंत तक। बहुत ज़्यादा धूप है तो अभी हम लोग मुँह हाथ धोए हैं लो पानी से, जो कि बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा था तो अभी फ्रेश हुए हैं थोड़ा। तो यहाँ से चलते हैं मास्क गार्डन, सामने मास्क गार्डन है, तो मास्क गार्डन दिखाते हैं आप लोग को, वीडियो के साथ बने रहिए, चलिए बैक कैमरा से दिखाते हैं। तो मास्क गार्डन जाने के लिए यहीं से जाया जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं लोग इको पार्क का व्यूज, जो कि लग रहा है कि गांव है और बांस लगाया गया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये बांस क्यों लगाया गया है, तो ये लगाया जाता है क्योंकि यादगार के लिए, जो कि बहुत कम मिलता है देखने को। ये सब आपको नज़ारा बहुत कम मिलता है टाउन में देखने के लिए, जो कि यहाँ पे इस इको पार्क में सब कुछ देखने को मिल जाएगा, गांव का फीलिंग्स भी और टाउन का फीलिंग्स भी, और तालाब हर चीज़ मिल जाएगा। और वीडियो को अंत तक बने रहे, अभी दिखाएंगे आप लोग को जो कि सेवन वंडर, जो कि सात देशों का अजूबा, दुनिया का सात अजूबा दिखाएंगे, वीडियो को अंत तक बने रहे। तो पार्क में घूमते घूमते एक ऐसा बांस मिला जो कि गोलू खोज कर रहा है कि ये काला काला बांस क्यों है। सच में ये काला काला बांस दिख रहा है इको पार्क में, कोलकाता इको पार्क के ये काला काला ये बांस समझ में नहीं आ रहा है, ये काला काला क्यों बांस है यार, ये काला है। हम लोग सोचे कि पेंट उंट किया होगा, ये पेंट नहीं किया गया है, पूरा काला ही काला है, समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कैसा बांस है। आ गए हैं लोग मास्क गार्डन में, तो चलिए मास्क गार्डन में चलते हैं, हम लोग देखते हैं लोग मास्क गार्डन कैसे दिखता है। मास्क गार्डन तो अभी एंट्री कर रहे हैं लोग मास्क गार्डन में, देख सकते हैं आप लोग मास्क गार्डन।
सामने आप लोग देख सकते हैं दार्जिलिंग का घूम स्टेशन, जो कि बहुत ही फेमस स्टेशन है। तो यहीं पर अभी मौजूद है हम, घूम स्टेशन में मौजूद हैं। तो कोलकाता से घूम स्टेशन दार्जिलिंग आ गए हैं। आप लोग देख सकते हैं स्टेशन का व्यूज। बैक कैमरा मास्ट गार्डन के बाद आपको घूम स्टेशन मिलेगा, जो कि दार्जिलिंग का घूम स्टेशन यहाँ पर बनाया गया है, जो कि काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। यहाँ पे फोटो बहुत सारा लिया जाता है और सेल्फी यहाँ पे बहुत सारा लिया जाता है, रील्स वील्स बहुत सारा बनता है। तो यहाँ से आप लोग फोटो लेके और लगा सकते हैं कि घूम स्टेशन गए हैं। देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे लग रहा है। शाम के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन लगी हुई है। इको पार्क में ये सबसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि गर्मी के दिनों में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये व्यूज, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अंदर से चलते हैं, दिखाते हैं। मोबाइल भींगेगा नहीं ना मेरा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है फुहारा यहाँ पे, काफी अमेजिंग लग रहा है। लग रहा है कि बारिश हो रहा है, अब बारिश जैसा तो लग ही रहा है यार। सभी लोग आ गए यहाँ पे, जिसका बेसब्री से इंतजार था वो आ गया पल, जो कि सेवन वंडर, जो कि सात देशों का अजूबा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इको पार्क में, वो भी कोलकाता में, जो कि दुनिया का सात अजूबा इसमें बनाया गया है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको दिखाते हैं। तो उसके लिए अलग से टिकट लिया जाता है, जो इसका प्राइस है 30 रुपया। तो हम लोग टिकट ले लिए, तो चलिए टिकट लेके चलते हैं सेवन वंडर में जाने के लिए। यहाँ पे फिर से टिकट लगेगा, जिसका प्राइस होगा 30 रुपया। तो चलिए चलते हैं सेवन वंडर देखने के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ इको पार्क में ही ये सेवन वंडर मिलेगा आपको देखने के लिए, जो कि सात देशों का अजूबा बनाया गया है। तो सात देश जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आ जाइए कोलकाता में इको पार्क में, आप सात देशों का यहीं पे मिल जाएगा, देख लीजिएगा सात देशों का अजूबा। चलिए वीडियो के साथ बन रही है, दिखाते हैं बैक कैमरा से। तो सेवन वंडर में एंट्री करते ही यहाँ पर मिलेगा आपको इजिप्ट, इजिप्ट का पिरामिड मिलेगा देखने को। इसके बारे में आप लोग को बता दूं तो तीन पिरामिड बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं इजिप्ट का तीन पिरामिड बनाया गया है, दो इधर है और एक इधर है। इसके अंदर अभी चलेंगे हम लोग पिरामिड के अंदर। तो इसके बारे में आप लोग को बता दूं कि 30 लाख पत्थर का यूज़ किया गया है इस पिरामिड के अंदर, आप लोग देख सकते हैं। ये भी देखने को मिल जाएगा आपको सिर्फ कोलकाता के इको पार्क में देखने को ये मिल जाएगा पिरामिड। चलिए काफ़ी नज़दीक से दिखाएंगे आपको, करीब से दिखाएंगे, अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं क्या रखा गया है इसमें अंदर। देखिए अंदर चलते हैं पिरामिड के अंदर, कैसे है यह, क्या बनाया गया है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर ले चलते हैं आपको दिखाने के लिए पेट्रा, जो कि जॉर्डन देश का पेट्रा यहाँ पर बनाया गया है, बहुत ही इमेजिंग लग रहा है ये, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इको पार्क में। चलते हैं अभी जॉर्डन देश के अंदर हम, और जॉर्डन देश में एंट्री कर लिए हम, और देखिए यहाँ पे पेट्रा बनाया गया है, जो कि काफ़ी बड़ा पेट्रा है। तो चलिए हेलो दोस्तों, तो अभी हम मौजूद है जॉर्डन देश में, जो कि आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं, लोग जॉर्डन देश में आ चुके हैं अभी हम। तो इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है और इसके अंदर क्या क्या रखा गया है। चलिए वीडियो के साथ बने रहिए, चलते हैं बैक कैमरा से दिखाते हैं इसके अंदर, पेट्रा के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या रखा गया है इसके अंदर।
उसके बाद आपको मिल जाएगा इको पार्क में ही ये ब्राजील देश का ईसा मसीह का प्रतिमा, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ये स्टेचू है, जो कि 130 फीट लंबी और 98 फीट चौड़ी है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये भी देखने को मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ कोलकाता का इको पार्क में, जो कि बहुत ही बड़ा प्रतिमा है। यहाँ पे फोटो वोटो सेल्फी वेल्फी ले सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ का व्यूज। तो इको पार्क के अंदर ही आइसलैंड, जो कि आइसलैंड के स्टेचू है, जो आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे स्टेचू बनाया गया है, जो कि इसका इतिहास हम बताने की कोशिश करेंगे, जितना हो सकेगा उतना बताएंगे इसका इतिहास। तो वीडियो के साथ बने रहिए, बैक कैमरा से दिखा रहे हैं आपको। इस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड है। यहाँ बनी मूर्तियों को मोए कहा जाता है। यह सबसे लंबी मूर्ति 33 फीट की है, जिसका वजन करीब 90,000 किलो है। तो इस इको पार्क में आपको 7 वंडर मिल जाएगा, जो कि दुनिया का 7 अजूबे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंडिया का भी ये ताजमहल, जो कि दुनिया में ये नाम कमाता है, अपना एक बड़ा नाम है इसका ताजमहल का, तो ये भी आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ इको पार्क में, जो कि कोलकाता में इको पार्क में ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। ताजमहल जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है कि ओरिजिनल ताजमहल है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं इटली देश में। इटली देश के रोम को इस कोलोसियम को दुनिया का सबसे बड़ा एपिथिएटर कहा जाता है। प्राचीन रोमन सम्राट में यहाँ पर फाइट हुआ करती थी। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं, यहीं पे फाइट हुआ करती थी, जो आप लोग देख सकते हैं, और इसमें लगभग 50,000 से 80,000 लोग बैठ के देखते थे लोग। तो आप लोग देख सकते हैं इको पार्क का व्यूज कैसा लग रहा है, इको पार्क में ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो कोलकाता के इको पार्क में आप लोग को देखने को मिल जाएगा चाइना का दीवार, जो कि आप लोग देख सकते हैं चाइना का दीवार कैसे दिखता है, चाइना का दीवार। चलिए चाइना के दीवार पर हम लोग चल रहे हैं। पहले वीडियो में देखते थे लोग, बहुत सारे व्लॉग में देखते थे लोग, अब चाइना के दीवार पर हम लोग चल रहे हैं। देखिए चाइना के दीवार, ये दुनिया का सबसे बड़ा दीवार इसको बोला जाता है, जो कि चाइना का दीवार है। देखिए ये चाइना के दीवार आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम मौजूद है चाइना के दीवार पे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा दीवार इसको बोला जाता है। तो चाइना के दीवार पे अभी हम मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं, ये है चाइना का दीवार, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा दीवार ये है। तो चलिए अंदर चलते हैं चाइना के दीवार में। तो कोलकाता इको पार्क में आपको मिल जाएगा चाइना का दीवार, जो कि 2 कॉपी चाइना के दीवार के जैसा बनाया गया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ये दीवार बोला जाता है। तो चलिए इको पार्क का वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताएं, और इसके बारे में कितना जानते हैं कमेंट करके बताएं, आप लोग कितना बार आए हैं ये भी कमेंट करें। तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच यार।